हे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और कितना मानते थे और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे, तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही। हम तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। जयंती को लेकर पाटलिपुत्रा स्थित अटल पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे थे। और माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से नीतीश कुमार ने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे आदरणीय रहे हैं, जिस समय वो प्रधानमंत्री थे हम लोग मंत्री थे और मुझे मुख्यमंत्री बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम आपको सुना रहे हैं। हे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और हम लोग ने ये शुरुआत की है और बहुत खुशी है और अरे माइक नीचे कीजिए ना आप लोग, हम लोग का रिश्ता, हम लोग का संबंध हमारा, अरे पीटीआई नीचे रखिए, ज्यादा रहा है जब हम एमपी रहे तब से, और जब उनकी सरकार बनी क्या सर साल हम उन्होंने तीन विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति आपको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत अरे अभी थोड़ा पीछे कीजिए ना, और उनके प्रति मेरा बिल्कुल अरे आप ही कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक हम और इतना ज्यादा उनका था और जान लीजिए कि इतना दिन में रहे प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो लेकिन बहुत अच्छा काम किए, तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही, हम तो उनके प्रति आदर का भाव है। तो उनके विचारधारा को आज माना जा रहा है आज के मौजूदा हालात में, अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? पर क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं उनका तो इतना अच्छा काम था, कितना बढ़िया काम किए बोलिए, और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे कभी भी मीटिंग होती थी तुरंत उसको स्वीकार करते थे, और कितना ज्यादा काम हुआ हर क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं, तो सब तो बात है आप लोगों को मालूम है, तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव, तो हमारा तो उनके प्रति जो है इनके प्रति जो सुशील मोदी अरे भाई कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना किसी को लाभ मिलने वाला है, हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है, हम तो घोषित किए थे ना जी 10 लाख हम बहाल करेंगे, अलग ही हो चुका, तब बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, तो कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी, अगर जरा भी बालिएगा तो जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, ए बंद करो उसको, तो इसे छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे, और जब देश ठीक हो जाएगा तब फिर आपको अधिकार रहेगा, हो जान लो हम जो बता रहे हैं पुराना, इसमें कई लोग हैं जो जानता है, हम तो सब लोगों का राय है, कितना ज्यादा हमको सब प्रेम करता था मानता था बोलिए, पार्लियामेंट में थे जरा देखिए पुरन का सब, जब हाउस में हम बोलते थे कितना ज्यादा बोलता था, यहाँ विधानसभा में भी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रेस का कितना अच्छा एटीट्यूड रहा सुनने लगे अब बात तक, लेकिन अभी लापनों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए हम आपनों पर कोई किसी तरह से नहीं है,
लेकिन अब आपसे आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है तो ये गड़बड़ है तो वो है तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोल रहे अरे हमारा बात सुन लीजिए, आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिए बच्चे, सारा चीज सब कुछ समय पर कोई मायूसी या नाराजगी है क्या, कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या बैठक के बाद आपको बनाया नहीं गया कन्वेनर इंडिया? अरे आपको हम बता दे ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा, हम तो चाहते हैं सब लोग एक मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बच गलत नहीं भाई गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है, अवकारा था उनको हमके ठीक बनाइए ना जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है, आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सर, सब लोग आगे करें बस और सर, कुछ सर, 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश महाराज ने बिहार के लोगों का अपमान किया है। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जो आदर था उनको पूर्ण रूप से आदर दिया और उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हमको बनाया गया बिहार में तो अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और साथ ही साथ जिस समय हम लोग हाउस में थे तो अटल बिहारी वाजपेयी हमको काफ़ी कुछ सिखाए और साथ ही साथ जो 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चाएं हुई है उस पर भी नीतीश कुमार साफ कर दिए कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीएम उम्मीदवार को लेकर भी जो बातचीत हुई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाराज़गी किसी भी तरीके से नहीं है। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कर दिए कि इंडिया गठबंधन में जो बैठकें हुई हैं उससे कोई नाराज़गी नहीं है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।